ये महिला तो याद ही होगी आपको, अगर नहीं तो पहले इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये है अकीला बानो, जो मृतक फौजी की पत्नी है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सिरवारा गांव की रहने वाली अकीला बानो ने पिछले दिनों परिवार के ही दो लोगों पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके घर की चार दीवारी पर लगे दरवाजे को तोड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन अब ये मामला आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द घूमने लगा है। हमारा मामला यही है, वो हमको सता रहे हैं, बेवा समझ हमारा पति ख़त्म हो गए हैं, हमको बेवा समझ के हमको सता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम DM मुशीद अहमद बोल रहे हैं कि DIG AG के पास हम रहते हैं, आपका घर तोड़ेंगे। कल रात में, शनिचर के रात में हमारा जो है घर दरवाज़ा तोड़ा और हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, भैया ऐसा मत करो, रहने दो, लेकिन नहीं माना उसने, हमारा दरवाजा तोड़ा, कुंडी निकल गई है। क्या नाम है उनका? मुशीद अहमद बोलते हैं, DIG AG के पास हम रहते हैं, आपका घर भी तोड़ देंगे। दरअसल अकीला बानो ने आरोप लगाया था कि उनके परिवार के ही मुशीद और मुशीद अपने पद के रसूख के दम पर आए दिन परिवार को परेशान करते हैं, साथ ही गाली गलौज करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते हैं। वहीं अब इस मामले में मुशीद अहमद ने अकीला बानो के परिवार पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। मैं सिरवाना का रहने वाला हूँ, वहाँ पे मेरी अराजी 1109 नंबर है, जिसमें मेरा मकान है और आगे की जमीन है, जिसको मेरे पक्षीगण अकीला, पिंटू, मिंटू, अनीस, गुट्टू, सरफराज वगैरह ये सब मिल करके और अपने साथियों के साथ कब्जा करना चाह रहे थे। मेरी ज़मीन में दरवाज़ा भी फोड़ लिया है, जिस पर मैं थाने पे गया तो SO साहब ने उनको बुला करके कहा कि दरवाज़ा बंद करो, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया और मारपीट पे भी हम आदा रहते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत पहले दीवानी मुकदमा किया, जिसमें मेरा स्टे भी है, स्टे के आदेश के बावजूद भी उस जबरदस्ती निर्माण कर लेना चाह रहे हैं। मैं घर का अकेला हूँ और चूँकि वो लोग बहुत ज़्यादा हैं और इसके बारे में मैंने बार बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं आज CRO साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने आया हूँ और इसके बाद पहले लेखपाल भी मौके गया था, जब खुला समझौता नहीं हुआ तो उसने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार मौके की स्थिति दोनों पक्ष बनाए रखें, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में मुशीद अहमद ने आरोप लगाया कि शकीला बानो के परिवार के कुछ दबंग लोग जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उस जमीन पर पहले से कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर दिया जा चुका है। इसके बावजूद दानिश, समीम और मिंटू अपनी माँ और चाचा को आगे कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर मुशीद अहमद ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी ने मामले की जांच कर न्याय संगत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।